बिग बॉस के घर में आखिर कौन सी ऐसी एक्ट्रेस है जो आ रही है और जिन पर भाई अभी से ही इल्जाम लग रहा है कि ये तो भाई प्रियंकित से सब कुछ सीख कर आ रही है, यानी कि प्रियंका शरद चौधरी और अर्की गुप्ता से सब कुछ सीख कर आ रही है, चाहे वो बिग बॉस की छोटी से छोटी बात हो या फिर बिग बॉस के घर में कैसे फाइट्स की जाती है, फिर कैसे फाइट्स को टैकल किया जाता है और कैसे किस सिचुएशन में अपने आप को रखना चाहिए, किस सिचुएशन आपको बोलना चाहिए, इस तरीके के इल्जाम इन पर लग रहे हैं कि भाई ये सीख कर आ रही हैं। तो आखिर कौन है ये जो बिग बॉस के घर में एंट्री लेने वाली है, और जब बिग बॉस ने भी इनका प्रोमो अपलोड किया तो यही कहा था कि भाई कौन है ये हसीना जो छुड़ाने वाली है सबका पसीना, तो उसी पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूँ आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांदू। आपको बता दूं कि यार जो इस बार का बिग बॉस है थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है अपॉर्चुनिटीज दी है, मौका दिया है, और खास करके यंगस्टर्स को। यंगस्टर्स को मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले साल भी एक कंटेस्टेंट आई थी जिनकी एज अप्रॉक्स 19-20 ईयर्स थी, सुम्बुल, और अब इस बार एक और कंटेस्टेंट को बुलाया जा रहा है। ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये कोई और नहीं बल्कि ईशा मालविया है। ईशा मालविया जो है इस समय उनका एक शो आता था उड़ारियाँ, इसके पहले प्रियंकित वो शो करते थे, और अब इस शो का जो मेन लीड है जो हिस्सा है वो है ईशा मालविया। ईशा मालविया भाई अभी अभी लोगों को पता चला है कि उड़ारिया स्टिंट से फेमस तो हुई वो, लेकिन उसके पहले भी फेमस थी। आपको बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश की सबसे यंगेस्ट मॉडल में उनका नाम आता है, और अगर देखा जाए क्लेम उनको फेम कहाँ से मिला, तो भाई मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड 2019 की विनर रह चुकी हैं वो, और उन्होंने अपना मॉडलिंग का जो करियर है वो बहुत जल्दी काफ़ी यंग एज में शुरू किया था, 2003 में बॉर्न हुई है वो, ऐसा बताया जा रहा है। और ईशा मालविया के बारे में एक बात है कि भाई 13 साल की उम्र से उन्होंने ब्यूटी पेजेंट्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था, और उसमें से कुछ बताया तो भाई मिस मध्य प्रदेश का खिताब उन्होंने जीता 2017, शान ऑफ मध्य प्रदेश इन 2018, और उसके बाद मिस LNCT ओपन कॉम्पिटिशन में सेकेंड पोजिशन 2018 में, मिस टीन आइकन इंडिया भोपाल 2018 का खिताब इन्होंने जीता, मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड का भी इन्होंने खिताब जीता, लेकिन वहाँ पर सेकेंड रनर अप रही 2019 में। तो ये थी ईशा मालविया की जर्नी, और ईशा मालविया जो है बिग बॉस के घर में आने वाली है, और वो भी एक ट्विस्ट के साथ कि भाई उनके एक रूमर्ड बॉयफ्रेंड यानी कि अभिषेक कुमार वो भी उनके साथ आ रहे हैं, और इनका जो प्रोमो आउट हुआ है दोनों ही स्टेज पर ही अनबन करते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि भाई ये कैसे चीज़ों को स्पाइस अप करते हैं, क्या क्या चीज़ें बिग बॉस को देते हैं, क्या क्या कॉन्टेंट देते हैं। फिलहाल ईशा को बिग बॉस के घर में देखने के लिए आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड, और इस पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।